हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल फोर्स का सेकंड फोर्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो अगर हमारे पास चार्जेस है, या आप बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडीज है, ओके, तो इन दोनों चार्ज या फिर चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्शन फोर्स हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो फोर्स लग रहा है ये उस समय लग रहा है जब ये दोनों चार्जेस या फिर चार्ज बॉडीज जो हैं वो दोनों ही रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब कि एक जगह रुके हुए हैं। ओके, तो इसी को बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि स्टूडेंट्स, इन समरी में ये बोल सकता हूं, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, ओके, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, एंड ये जब दोनों चार्जेस की हम बात करें तो ये दोनों ही चार्जेस एक जगह पे रुके हुए हैं, रेस्ट पे, मोशन में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि किस कंडीशन में ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होगा एंड किस कंडीशन में ये रिपल्सिव फोर्स होगा। तो लेट कीजिए कि अगर ये दोनों फोर्स पॉजिटिव है, ओके, सिमिलर है, मतलब अगर दोनों सिमिलर है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस कोई भी चार्ज हो सकता है, तो अगर दोनों ही सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, यानी कि एक दूसरे से ये दूर जाना चाहते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। ओके, लेकिन अगर बात करें कि ये दोनों ही चार्जेस डिफरेंट होंगे, यानी कि अनलाइक होंगे, यानी कि दोनों ही सेम नहीं होंगे, अनलाइक मतलब कि सेम नहीं होंगे, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो नेचर में कैसे होता है, अट्रैक्टिव होता है, यानी कि एक दूसरे को खींचते हैं। यानी कि प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इन समरी अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स होगा, एंड अगर दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर फोर्स। इनवर्स स्क्वायर फोर्स इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से होता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है या फिर रिपल्सिव फोर्स है जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, यानी कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर किसका है, उनके बीच का डिस्टेंस जितना है उसका है, राइट, इसलिए इसको बोला गया है कि इसको इनवर्स स्क्वायर फोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों चार्ज के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे समझते हैं। तो अभी जो मैंने इस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई किया, आपको बताया कि इसका यूज हुआ है, तो चलिए पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। अब एक्चुअली इसको हम कूलाम्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, एंड इसको डिस्कवर किया गया या फिर बताया गया था किसके थ्रू, कूलाम्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ के थ्रू। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ये फोर्स होता है, फोर्स या तो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्शन फोर्स हो सकता है कोई भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जब वो दोनों रेस्ट पे हैं। ओके, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। ओके, तो ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, यानी कि चार्जेस की वैल्यू है। क्यू वन क्यू टू क्या होता है, ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स की चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, फोर्स को कैपिटल एफ से, एंड उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल आर से। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों के चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यानी जो कूलाम्स लॉ है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसको बाय फॉर्मूला लिखने के लिए हम बताया गया कि हम लेट कर रहे हैं कि दो जो चार्जेस है हमारे पास, दो पॉइंट चार्जेस हैं वो क्यू वन एंड क्यू टू है, जो कि सेपरेट है डिस्टेंस आर से। ओके, और ये जो है दोनों चार्जेस या तो एयर में या फिर वैक्यूम है। एयर यानी कि जहां पे हवा होती है, वैक्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पे इवन एयर भी नहीं होती है, यानी कि कुछ भी नहीं होता है, ओके, खाली, तो वैक्यूम है। तो उस कंडीशन में कूलाम्स का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो ये फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो उसके बदले यहाँ पे इक्वल लगता है एंड कांस्टेंट वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, दैट इज 1/4πε0। ये क्या है, एग्जैक्टली कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आपको सिंपली लर्न करना होगा, ओके, इस फॉर्मूले के लिए। तो बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है बेसिकली 9 × 10⁻⁹,
न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ वैल्यू होती होगी, तो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने आपको इस यूनिट के बारे में अभी नहीं बताया हुआ है, क्योंकि इस यूनिट के ऊपर पूरा एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर आने वाला है, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि बेसिकली ये यूनिट्स कहां से आती है। ओके, वैसे तो स्टूडेंट्स आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करें तो हमको जो नेचर में चार्ज मिलता है, उस चार्ज का भी कुछ ना कुछ कम से कम एक मैग्नीट्यूड होता होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी एक वैल्यू होती होगी। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो दो टाइप के हम देखने वाले हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन। ओके, तो दो टाइप के चार्जेस की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, एंड प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस केस में अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वैल्यू को आपको सिंपली लर्न करना है, एंड इसलिए भी लर्न करना है क्योंकि इस वैल्यू को हम बहुत जगह आगे यूज करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, एंड प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली वो कितना होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रिलेट कर रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का मतलब स्टूडेंट्स ये कि वहां पे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उस केस में अगर हमको टोटल चार्ज निकालना हो, ओके, यानी कि जो चार्ज है वहां पे उसका बेसिकली मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू होता है चार्ज के लिए इज इक्वल टू प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की बात करेंगे, माइनस होगा तो माइनस की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या होता है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। या आप सिंपल भी बोल सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है फॉर्मूला। ओके, तो क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू जो है वो चार्जेस है, ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है जो कि हमने देखे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एंड एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को क्या बोलते हैं, दैट इज क्वांटाइज्ड, यानी कि क्वांटिटी के बेस पे वो सिंपली वेरी कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेट करते हैं, हमारे पास ये दो बॉडीज है। ओके, ये जो दो बॉडीज है किसकी है, दो बेसिकली पॉइंट साइज के चार्ज है। ओके, आप क्यू वन क्यू टू भी बोल सकते हो। तो इन दोनों चार्ज बॉडीज के लिए हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों का ही कैसे होता है, इक्वल होता है। ओके, दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है, एंड लेकिन अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ओके, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये स्टूडेंट्स की अगर मैं आपको फॉर्मूले के बेस पे बोलूं तो ये आपका फॉर्मूला है, राइट, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। अभी कैसे होता है समझते हैं पहले, एंड सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं। तो हम इसको पहले वाले पे एक्चुअली फोर्स लग रहा है, एंड उसमें जो फोर्स लगा रहा है वो सेकेंड चार्ज लगा रहा है। ओके, तो इसको हम बोल लेते हैं, सपोज करें कि Q1 है एंड ये Q2 है। ओके, तो यहाँ पे इसको रीड कैसे करते हैं कि जो फोर्स है वो लग रहा है चार्ज फर्स्ट पे ड्यू टू द सेकेंड चार्ज, यानी कि सेकेंड चार्ज की वजह से, सेकेंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज Q1 ड्यू टू द सेकेंड चार्ज Q2। ओके, अगर इसी को हम F21 लिखेंगे, एंड ये जो आपको एरो दिख रहा है इसको वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। ओके, एनीवेज इसको हम और इन डेप्थ में देखने वाले हैं। वैसे तो आपने क्लास 10 में पढ़ के आया कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, बट एनीवेज इसको हम इन डेप्थ पढ़ने वाले आगे आने वाले चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल आपको फॉर्मुला याद रखना है कि होता है F12 इज इक्वल टू माइनस F21, एंड जब भी एरो लग जाता है ऊपर तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो F21 को पढ़ा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज, इट मींस Q2 ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज Q1। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट कब होती है स्टूडेंट्स, जब भी आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यानी कि जो इस F12 की जो डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन है F21 की। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि जब भी हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, बट जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। ओके, अगर मैं इसको और सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं आपको, तो मान लीजिए ये दोनों जो चार्जेस हैं वो अपोजिट चार्जेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है इसको अपने तरफ खींचता है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये इसको खींचेगा अपने तरफ
तो इसलिए इसकी डायरेक्शन हमको समझ में आ रही है कि दोनों कैसे होंगी, अपोजिट होगी। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ने वाले हैं, पर अभी तक जो भी हमने स्टडी की है वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एग्जैक्टली इसका रीजन ये स्टूडेंट्स कि हम पहले आपको बेसिक बताना चाह रहे थे कि जब एक कोई चार्ज है अगर वो मोशन में नहीं है, घूम नहीं रहा है, एक जगह रुका हुआ है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, लेकिन अगर अब हम बात करें कि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है यानी कि मोशन में घूम रहा है, तो अब आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा कि अगर चार्जेस मोशन में नहीं है, मूव नहीं कर रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन अगर ये चार्जेस जो है वो मोशन में घूम रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको एक नया फोर्स देखने मिलता है, एक नया इफेक्ट देखने मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। एंड इसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, यानी कि वहां पे एक नया फील्ड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चलिए अब स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देखते हैं कि इसको वर्ड्स में कैसे लिखा जा सकता है। तो बेसिकली जो मूविंग चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ, राइट। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे एक फोर्स अराइज होता है, यानी कि एक नया फोर्स देखने को मिलता है उस मूविंग चार्जेस पर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो मूविंग चार्जेस है, तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, जो कि हमने देखे थे। अब क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ओके, तो इसका मतलब उस मूविंग चार्जेस पे हमको दो टाइप के फोर्स देखने मिलने वाले हैं, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्योंकि दोनों ही फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब एक चार्ज है वो मोशन में है, तो क्योंकि चार्ज है तो अपने आप में चार्ज होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, एंड क्योंकि वो मोशन में तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो इन दोनों ही प्रॉपर्टी को बोला गया है बेसिकली मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है, इसका मतलब कि उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स ही प्रोपोर्शन होता है, जो कि अभी हमने आपको बताया थे। ये होगी पहली प्रॉपर्टी या फिर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि अगर आप चाहें इन दोनों चार्जेस को बहुत दूर तक भी रखेंगे तब भी वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखने मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है एंड रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है इन नेचर में, अभी हमने देखे थे। ओके, नेक्स्ट है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 10^36 इतना टाइम्स जो है स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। ओके, यानी कि सेंटर पे लगता है। देन नेक्स्ट है, दे आर द कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब कि इस फोर्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है एंड ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जस्ट इसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो किस कारण से होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है? फोटॉन्स एक्सचेंज होते हैं, यानी कि लाइट एक्सचेंज होते हैं किनके बीच में? उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्ज बॉडीज के बीच में। ओके, एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसको कभी भी किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती इसके ऑपरेशन के लिए। ओके, यानी कि उनके बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, ग्लास है, उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि रियल लाइफ में कहाँ पे हमको देखने मिलता है। हमने देखे स्टूडेंट्स क्लास 10th में कि हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में सर्कल यानी कि राउंड में घूमते रहता है, राइट, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। आपने क्लास 10th में डायग्राम पढ़ेंगे कि एक प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस होता है एंड उसके चारों तरफ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेसिकली, राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड इस न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से वो राउंड टू राउंड उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जब हम एक कंघी को कॉम्ब को उठा करके हमारे हेयर्स में उसको रब करते हैं, ओके, बार बार बालों में उसको मतलब कि कंघी निकालते हैं उससे, तो क्या होता है उसके बाद? उस कंघे को अगर हम कुछ कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो उन कागज के स्मॉल पीसेस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हम कॉम को रब करते हैं, राइट, हमारे बालों में, तो उस समय क्या होता है, एक फ्रिक्शन अप्लाई हो जाता है उस कंघी पर, जिसके वजह से वो कंघी जो है, जो कॉम है, वो चार्ज हो जाता है एंड इसलिए वो उस स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
तो यहां पे बेसिकली हमको भी देखने मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से वो पेपर के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, जब एक स्प्रिंग को हम या तो कंप्रेस दबाते हैं या फिर उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, एंड जैसे उसको स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो वापस से रिस्टोर होता है। रिस्टोर यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उस पर और वो नॉर्मल होने की कोशिश करता है। तो ये जो हमको देखने मिलता है कि जब वो रिस्टोर यानी कि अपनी पुरानी पोजिशन पे जाना चाहता है, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है जो केमिकल रिएक्शंस में जो वहां पे बॉन्डिंग के बीच में जो फोर्स होता है, यानी कि सपोज कर हम H2O बन रहा है, तो वहां पे जो एटम्स है वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं, एक फोर्स लगा के रखते हैं, तो वहां पे जो ये फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे सिंपल टर्म्स में बताना चाहूंगा इस टॉपिक को, क्योंकि अभी हमने वॉन्डर वॉल वगैरह सब पढ़े नहीं स्टूडेंट्स, तो आपको टफ जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताना चाहता हूँ कि अगर दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल के बीच में क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसके पास भी न्यूक्लियस होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है एंड रिपल्शन फोर्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स एंड जो रिपल्शन फोर्स है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स होता है एंड किस कंडीशन में रिपल्शन फोर्स होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस साइड पे, एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन इधर है एंड ये इलेक्ट्रॉन भी इधर ही है, तो क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज होता है तो इसको अपनी तरफ खींचता है, तो ये हो गया अट्रैक्शन फोर्स। ओके, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां पे पहुंचा है एंड ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां पे पहुंचा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, धक्का मारेंगे, तो इसलिए हमको यहाँ पे दोनों ही टाइप के फोर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स एंड द रिपल्शन फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट एग्जांपल इज जब हम कोई भी व्हीकल गाड़ी चलाते हैं रोड पर, ओके, तो वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स देखने मिलता है एंड ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।